अगर आप इंडिया को भी देखें तो वहां पे भी आपको 5G बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। पाकिस्तान इंटरनेट आ ही नहीं रहा तो हम क्लाइंट कैसे कनेक्ट करें, फिर फ्यूचर में हम उनसे ही कोई हेल्प ले लें, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो ऐसा कोई करना नहीं है। तो हर शोबे में इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है, और हर शोबे में अगर इंटरनेट की स्पीड नहीं है तो आप दुनिया की स्पीड के साथ ही नहीं चल रहे। इसका मतलब यू आर वर्किंग स्लोअर देन द वर्ल्ड। बिल्कुल, इंडिया को अगर कंपेयर करें पाकिस्तान से तो हम वैसे कहते हैं जी इंडिया ऐसा है, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से आगे हर चीज़ में, क्योंकि उनका सोचने का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा एपेक्स है। इज दैट कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान में दैट इज़ नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल। इंडिया इज फॉलोइंग फिनलैंड स्टडीज। फिनलैंड में जो जितना इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन तालीमी निज़ाम फिनलैंड के पास है, जो कि उसे हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है, उसे पुरानी बायोफिजिक्स केमिस्ट्री की किताबों के ही रटाया जा रहा है बार बार। कोर्स इंडिया इस टाइम दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर शायद उनकी आईटी है। इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, आईटी हो चाहे इंटरनेट की स्पीड हो, पूरी दुनिया में इस टाइम चाइना में देख लें 5G, और अब लोग 6G की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास तो अभी 4G के भी सिग्नल्स नहीं आते, बल्कि आप थोड़ा सा पेरिफ्री में चले जाएँ तो आपके वहाँ पर 2G से ज़्यादा चलता ही नहीं है। इंटरनेट की स्पीड तो अगर हम देखें तो ये हमारे हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि इंटरनेट आजकल पूरी दुनिया में, अगर होल वर्ल्ड में देखा जाए तो सऊदी अरब में 5G चल रहा है, क्योंकि मैं रिसेंटली सऊदी अरब से होके आया हूँ। दूसरी बात ये कि अगर आप इंडिया को भी देखें तो वहाँ पे भी आपको 5G बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। आपने पाकिस्तान बात की इंडिया की, मैं आपको एक बताऊं, एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था कि 5G जो है उन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद फौरन ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अपकमिंग न्यू जनरेशन के लिए वो 6G जो है लॉन्च करेंगे। क्या कहते हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से आगे। न्यू जनरेशन के लिए तो मैं कहता हूँ 6G तो एक बहुत दूर की बात है, ये 4G भी चले पाकिस्तान में तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली स्टडी के लिए आपको पता है इंटरनेट कितना जरूरी होता है, और इंटरनेट से स्टडी के लिए नहीं, हर एक चीज में आजकल इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड में देखा जाए तो। कहते हैं यहाँ पर जो है अभी फिलहाल 4G चल रहा है, तो 4G की यहाँ पर स्पीड आपको लगती है ओके चल रही नहीं, 4G अभी मैंने जो इसका पैकेज करवाया था, 4G के भी मुझे पूरे इसके सिग्नल नहीं रिसीव हो रहे थे, और इवन आप देखें कि दूसरे जो लेटेस्ट मोबाइल आ चुके हैं उनमें 5G की भी ऑप्शन आ चुकी है, लेकिन ओके? पाकिस्तान में 4G तो अभी कम्प्लीटली नहीं आया। तो 5G जो मोबाइल्स के अंदर आ गए हैं, क्योंकि बाहर की जो कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं मोबाइल्स वगैरह, 5G प्लस तक लॉन्च हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ की फैसिलिटेशन नहीं है। आपने 5G की बात किया, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, यहाँ 4G आपके बकौल के चल ही नहीं रहा है, वहाँ पर 5G के बाद 6G भी अपकमिंग वो सोच रहे हैं लाने का, ताकि हमारे आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई इशू ना हो। क्या कहते हैं, किस हिसाब से वो सोचते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग? देखिए, पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए दूसरे कंट्रीज के साथ तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, और अगर आप दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे, अमेरिका रशिया जो कि मेन प्राइमरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डेवलप कंट्रीज हैं, क्योंकि वो हो चुके हैं, पाकिस्तान हो रहा है उस टाइम, तो पाकिस्तान को टाइम लगेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपको पता है कि रातों रातों पाकिस्तान इसको इस पे काम नहीं कर सकता। नहीं, पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो काफ़ी स्लो है। मैं खुद किर्गिस्तान में रहता हूँ, बेसिकली मैं नेशनल भी वहीं का ही हूँ, तो वहाँ पे इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर सही चलता वहाँ पे एक तो बहुत अच्छा चलता है, दूसरा वहाँ पे रेट्स जो हैं, रेट्स का बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। वहाँ पे रेट्स एक तो बहुत कम है, और दूसरे नंबर के ऊपर वहाँ पे जो है इंटरनेट की स्पीड हमसे बहुत बेहतर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटरनेट की स्पीड की, यहाँ के तो हमें पता चल गया कि कम है, ठीक है, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, वहाँ पर जो है 5G पहले हुआ, फिर उसके बाद 6G जो है वो अपकमिंग लॉन्च करने का कह रहे हैं। क्या कहते हैं, हर एक चीज़ में, आईटी में देख लें, ऑटोमोबाइल में बड़ी ज़बरदस्त तरक्की कर रहे हैं, और इसमें भी वो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे कि लोग उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, तो क्या कहते हैं इतनी तरक्की? ऑफ कोर्स, इंडिया इस टाइम दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर शायद उनकी आईटी है। इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, आईटी हो चाहे इंटरनेट की स्पीड हो, पूरी दुनिया में इस टाइम चाइना में देख लें 5G, और अब लोग 6G की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास तो अभी 4G के भी सिग्नल्स नहीं आते, बल्कि आप थोड़ा सा पेरिफ्री में चले जाएं तो आपके वहाँ पे 2G से ज़्यादा चलता ही नहीं है। नहीं, बूस्टर्स के अलावा ओवरऑल भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आप हमारे मुल्क में देखें हमारी प्रोडक्शन क्या है, हम प्रोडक्शन में बिल्कुल ज़ीरो हैं, हम जो चीज़ें हम वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इस मुल्क का तो मैं कहता हूँ अल्लाह ही हाफिज़ है, और जो इस कंट्री के हैंडलर्स हैं उन्हें सीरियस होकर सोचना पड़ेगा कि मुल्क कितना नीचे जा रहा है, और आज हम हर लिहाज से पूरी दुनिया में हर तरह से पीछे हैं। हर शोबे में इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है, और हर शोबे में अगर इंटरनेट की स्पीड नहीं है तो आप दुनिया की स्पीड के साथ ही नहीं चल रहे। इसका मतलब यू आर वर्किंग स्लोअर देन द वर्ल्ड। सर, अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अभी 4G चल रहा है, आपके लिए आज से 4G भी यहाँ ओके चल रहा है? नहीं, मैं 4G को प्रेफर नहीं करूँगा इतना खास, क्योंकि दुनिया 5G पे और ऑनवर्ड मूव कर चुकी है,
तो हमें तो पीछे नहीं रहना चाहिए, एक क्लिक पे हमें दुनिया में पहुंच जाना चाहिए, पूरी दुनिया हमारे हाथ में होनी चाहिए। बल्कि हम अब 5G पे नहीं मैटर, आगे 5G पे भी जाना चाहिए और ऑनवर्ड। अगर हम बात करते हैं हम अपने हमसाय मुल्क इंडिया की, तो उन्होंने 5G को लॉन्च किया, चाइना में भी गया और भी कंट्रीज में आगे 5G। अब वो जा रहे हैं नेक्स्ट, उन्होंने ऐलान किया अपकमिंग वो करेंगे अपनी जनरेशन के लिए 6G। सर वो इतनी स्पीड से आगे जा रहे हैं, क्या कहते हैं उनको, तो ना भी वो इतनी स्पीड से जाएं तो उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आगे तक का सोचते हैं क्या? ये मैटर करता है आपकी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ द कंट्री पे, उनकी स्टेबल, उनकी स्टेबल स्टेबिलिटी तो नहीं है या है, इस पर तो मैं नहीं बात करना चाहूँगा, बिकॉज वो एक अनदर कंट्री है और उसमें भी हमारे बहुत सारे भाई रह रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपके मुल्क की पॉपुलेशन और GDP और बजट कितना चल रहा है। सेकेंडली मैं इसमें कहूँगा कि इसमें इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है, हमारा जो सिस्टम है उसमें एक बड़ा लैक है इस चीज़ का कि हम इस चीज़ में बहुत पीछे रह चुके हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, और इनको प्रेफरेंस करते हुए हम कहते हैं बस हमारा काम चलना चाहिए। पाकिस्तानी कहता है मेरा काम चल रहा है, दैट्स इट, मुझे इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। जबकि यंग जनरेशन अब जितनी भी आ रही है वो इम्प्रूव्ड माइंडसेट के साथ वो आगे का सोचती है, वो कहते हैं कि हमने यहाँ तक नहीं रहना, हमने दुनिया के साथ चलना है। जितनी देर में 5G को इम्प्लीमेंट किया जाएगा पाकिस्तान में तो दुनिया मुझे लग रहा है 10G तक मुझे इंडिया में लॉन्च बिल्कुल हो सकता है। इस ये इंटरनेट के वाले से यहाँ पर भी बेहतरी, जितनी फैसिलिटेशन पाकिस्तान के पास है अनफॉर्चुनेटली हम इसको अवेल नहीं कर सके। और दूसरे कंट्रीज, अफगानिस्तान को अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। पिछले दोनों स्पोर्ट्स कार को डिजाइन किया था, वो आपको पता है कि कतर के कार मैन्युफैक्चरिंग जो कलेक्शन वगैरह है वहाँ पे उसको प्रेजेंट किया गया पिछले साल, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, वही मेहरान, वही बोलान, वही मॉडल वाइज, वही कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मतलब आगे तरक्की करने का डेवलपमेंट खुद से करने का नहीं सोचते। अगर हम और ममालिक को देखते हैं तो वो डेवलपमेंट पर बड़ा फोकस करते हैं, इंडिया अपने बच्चों को बड़ा तलीमी लिहाज से फैसिलिटेट करता है, उनको मेच्योर करता है और उनको सिखाता है कि अगर आपने इस फील्ड में जाना है इसको कैसे प्रॉपर आपने लेके चलना है, तभी वो कामयाब। बिल्कुल, इंडिया को अगर कंपेयर करें पाकिस्तान से तो हम वैसे कहते हैं जी इंडिया ऐसा है, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से आगे हर चीज़ में, क्योंकि उनका सोचने का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा एपेक्स है। पाकिस्तान उस तरह नहीं सोच रहा, हमें बिगे पाकिस्तानी वी शुड हैव टू थिंक अबाउट दिस वन कि पॉजिटिव कैसे सोचना है, और ये एक समझदार इंसान ही लोगों को गाइड कर सकता है। तो फिर फ्यूचर में हम उनसे ही कोई हेल्प ले लें, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो ऐसा कोई करना नहीं है, तो यहाँ पर कोई ऐसे होने की उम्मीद। Exactly. चले अगर हम, आप क्या कहते हैं पाकिस्तान इंडिया के माशरे में बड़ी अच्छी जबरदस्त उनके लिए बात की है, हमें इंडियन से जो है थोड़ा सा कारोबारी हाथ से बातचीत करनी चाहिए, उनसे फ्रेंडशिप वगैरह, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं खुद इनको एडवाइस कर रहा हूँ कि काइंडली अगर आप हमें 4G सर्विस दे रहे हैं तो ये काइंडली हमें एग्जैक्टली जो है वो 110% जो है वो हमें 4G दे, 5G तो एक दूर की बात है। तो यही है कि इनको मेरी एडवाइस है कि काइंडली ये जरा हमें एक्यूरेट करके दे। अब तो अफगानिस्तान ने अपनी गाड़ी बना ली है, उनके पास अपनी चलो प्रोडक्शन है, वो जल्द उसको लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारी अपनी बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं है, इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, जिसकी वजह से डॉलर का रेट हमारा ऊपर जाता जा रहा है, मुल्क में हर साल जो है वो पहले से बहुत नीचे जा रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो इकतदार में लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको सोचने की ज़रूरत है, और जो हमारे हुक्मरान हैं उनका तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप क्या कहते हैं हमें अपने हमसाय मुल्क इंडिया के साथ थोड़ी कारोबारी लिहाज से बात? ऑफ कोर्स करनी चाहिए, एक ऐसा इशू इन्होंने खड़ा किया हुआ है जी, जो मैं समझता हूँ जो कि इतना मैटर ही नहीं करता है, पिछले 70 साल से हमें एक ही वो मुद्दे के पीछे लगाया हुआ है कश्मीर के, तो हमें चाहिए उसको बैठ के अच्छे से उसको हम हैंडल करें, सुलह सफाई से बात करें, उसके बाद आगे बढ़ें। हम उसी एक टॉपिक के पीछे, हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, कश्मीर हमने लेना है, कश्मीर ना ये लोग ले पा रहे हैं और ना ही उसकी वजह से, बल्कि हमारा हर साल डिफेंस का बजट बढ़ रहा है, जो एक सेहत के ऊपर पैसा लगना चाहिए, लोगों की तालीम के ऊपर लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगना चाहिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर लगना चाहिए, वो सारा हमारा जो है माशाल्लाह साहिब इक्तदार लोग हैं जो जिनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ वो खा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी यंग जनरेशन आगे आ रही है, वो सोच रही है, वाकई ऐसी सोच है, लेकिन उसको आगे तक ले जाया नहीं जाता। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम ओवरऑल इख्तलाफात को एक साइड पे रख के अगर हम उनकी कामयाबी को देखते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो वो किस तरह से ग्रूम कर गए हैं, उनके स्टूडेंट्स बड़े शाइन होते हैं और वो आगे से आगे तक चले जाते हैं, IT में देख लें, ऑटोमोबाइल में देख लें, इंडस्ट्रीज उधर बन गए हैं, प्लांट्स उनके लग गए हैं। द थिंग इज दैट कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान में दैट इज नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल। इंडिया इज फॉलोइंग फिनलैंड स्टडीज। फिनलैंड में जो जितना इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन तालीमी निज़ाम फिनलैंड के पास है, जो कि
प्रैक्टिकली इंसान को प्रमोट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं, वो आगे प्रैक्टिकली फील्ड्स में लेकर आते हैं। पाकिस्तान की अगर आप सोशल नेटवर्किंग के हिसाब से आप दुनिया में आप सोशल नेटवर्क में देख लें, हमारा जो आजकल का स्टूडेंट है वो इतना प्रैक्टिकली अपने आप को आगे नहीं लेकर आ पाता, वो एक ख़ास किस्म की किताबों में फंस चुका हुआ है, उसे हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है, उसे पुरानी बायोफिजिक्स केमिस्ट्री की किताबों के ही रटाया जा रहा है बार बार, उसका बजट और उसके माइंडसेट को ऐसा कर दिया गया कि वो बेचारा अब एक डंकी की तरह अपने ऊपर बुक्स लोड करके चल रहा है सिर्फ, उसको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि वो अपने आप को इसको बोझ को कैसे उतारे, उसको रोल अप कैसे करे। बोझ बना दिया गया और माइंड में पैसा बिठा दिया गया, उनको डेवलपमेंट या तरक्की की तरफ नहीं ले जाया जा रहा। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली अभी आप इंडिया को देखते हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पहले तो थी ही नहीं, अब वो इतनी आगे आई है, और आईटी सेक्टर हर एक चीज़ में देख लें, बच्चे बड़े शौक से आगे आ रहे हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, उन पर इन्वेस्ट किया जाता है, ये नहीं है कि अगर गरीब बच्चा वहाँ पढ़ नहीं सकता, वो उन पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो उनसे जारी पता है इनपुट डालेंगे आउटपुट तो वो ऑटोमेटिकली देंगे, क्या कहते हैं बेस्ट है उसका। बेस्ट देखें, हमारे लिए रोल मॉडल तो वो कंट्री होगी इस वक्त जो कि इस वक्त उस फील्ड में सबसे आगे जा चुकी है, इंडिया भी जिन्हें फॉलो कर रहे हैं, हमें तो उन्हें फॉलो करना चाहिए, नॉट फॉलोइंग इंडिया। सेकंडली इंडिया ने भी जिनको फॉलो किया होगा उनकी अपनी स्ट्रेटजीज बहुत है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स वहाँ आ रहे हैं, ये माइंडसेट्स की गेम्स होती हैं। पाकिस्तान में अगर हम इसे खुद अपने बच्चों पर लागू करना चाहें तो आप अपनी फैमिली में लागू कर लेंगे, जब आपका बच्चा दुनिया में जाएगा तो दुनिया का माहौल इन्वायरमेंट अलग है, वो ये डिमांड ही नहीं करती। पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो डिमांड नहीं करता कि टैलेंट आ गया है, वो कहता है मैं मालिक हूँ, मैं मालिक रहूँ, मेरे ऊपर कोई मालिक ना आ जाए, ना वो कम ज्यादा सीखे, बस कम सीखे हमारे अंडर काम, इतने सीखे कि बस वो हमारे साथ काम करते रहे, जुड़े रहें, जहाँ वो आगे सीखेंगे आपका फॉरेन जॉब रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।